नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ने से पहले आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है वो बेसिकली क्या होती है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर ही इम्प्लीमेंट होती है, तो आपके पास ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कहलाती है बेस। ये जो 90 का एंगल बना रही है ये क्या कहती है, कहलाती है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है दैट इज़ नॉन एज हाइपोटेन्यूस। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं, ये इनके नेम होते हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो पहला आपके पास साइन जो होता है ये आपके पास रेशियो होती है किसके दरमियान, परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। कोस का रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस के दरमियान। और टेंजेंट का रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान। अगर ये आपको ऐसे याद नहीं रहता क्योंकि थोड़े टर्म डिफिकल्ट हैं, तो आप इसको एक लाइन के थ्रू याद कर सकते हैं, और वो लाइन क्या होती है, सम पीपल हैव। अब सम एज फॉर सम, पी फॉर परपेंडिकुलर, हैव इस तरह से सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पॉपुलर ब्यूटी। इस तरह से आप सेंटेंस याद कर लें, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रहेंगे। अब हम यहाँ चलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज पर। सो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है वो आपके पास क्या है कि आपने रिजोल्व करना है, तोड़ना है फोर्सेज को। पहले आप फोर्सेज को सम कर रहे थे, अब आपने एक फोर्स को रिजोल्व करना है। रिजोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इसकी डेफिनेशन देखें, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्सेज इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। के अगर आप एक फोर्स को कितनी हिस्सों में तोड़ते हैं, दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, और वो जो दो कंपोनेंट आपके पास बनते हैं उस एक फोर्स के, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमने क्या कर दिया, फोर्सेज को रिजोल्व कर लिया, एंड दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। अब यहाँ पे कंसिडर करें आपके पास एक फोर्स है, सिंपल बेसिक फोर्स है, क्लियर। अब आपके पास ये वाई एक्सिस होता है, यू नो ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस। आपने फोर्स को रिजोल्व किया दो में, ये एक आपके पास हम कह देते हैं एक कंपोनेंट है इसी का ही, और ये जो है इसका दूसरा कंपोनेंट है ये। चूँकि एक्स एक्सिस की लॉन्गेस्ट हम कहते हैं एफ एक्स कंपोनेंट है, और ये एफ वाई के लॉन्गेस्ट हमें कहते हैं कौन सा कंपोनेंट है, एफ वाई कंपोनेंट है। सो अब आपके पास इसका नाम हम रख लेते हैं, ये मैंने फोर्स को नाम दिया है ओ ए, यहाँ से एफ एक्स का नाम रख देते हैं ओ बी, और एफ वाई का नाम रख देते हैं ए बी। ये आपने बात याद रखनी है, मैंने नेमिंग इसलिए किया क्योंकि ये इजी रहता है इस तरह से डील करना। अब आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा था बेटा, अगर आप हेड टू टेल रूल में दोबारा जाएँ तो आप नोट कर सकते हैं कि ये अगर आप समझे कि ये फर्स्ट वैक्टर है और इसको आप समझे कि ये सेकेंड वैक्टर है, तो ये जो वैक्टर है पिंक वाला, ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है, ऐसे ही है। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसको और इसको सम अप किया तो ये आ गया, एंड दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, सिंपल। नेक्स्ट अब आपने देखना है कि एफ एक्स और एफ वाई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि जब ने इसको रिजोल्व किया है तो ये रिजोल्व करने के बाद ये कितना मैग्नीट्यूड रखता है और ये कितना मैग्नीट्यूड रखता है। तो ये फाइंड करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन सी, कोस और साइन। टेंजेंट का यूज़ नहीं करेंगे, कोस थीटा जो हमने भी पढ़ा है कि किसके इक्वल होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस के। तो बेस क्या है एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूस क्या है एफ, तो एफ एक्स ओवर एफ, और ओ बी ओवर ओ ए, इनके दूसरे नाम है लेकिन और ओ ए। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, एफ एक्स को ही रहने दें, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ कोस के साथ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ कोस ऑफ थीटा, यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया एफ एक्स का। अब हम यूज़ करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हमने भी पढ़ा है किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास एफ वाई, हाइपोटेन्यूस क्या है एफ, एफ वाई ओवर एफ, एफ वाई को ही रहने दें, एफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, साइन के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा आपके पास आ गया। ये आपके पास आ गया वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, क्लियर। और यहाँ से आपने ये भी याद करना है, बल्कि याद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में आप क्या करो, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि 30 की वैल्यू क्या है, आपने जस्ट कैलकुलेटर में कोस का बटन होता है पूरा वो प्रेस करना है, फिर 30 प्रेस करना है मतलब 30 और आंसर का क्लिक करना है, तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। तो पेपर में ये बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, कोस 30 बताएं, टेन जीरो बताएं, इस तरह से कोई भी एंगल, तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर को यूज़ करके इनके आंसर्स कर लेने हैं। सॉरी, तो ये टॉपिक जो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बहुत आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शॉर्ट में आ जाती हैं, और ये टॉपिक जब आएगा आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद ये साइड, उसके बाद ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये साइड डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल ऐसे से रिलेटेड है, आपके पास एक मैन है एक ट्रॉली को पुल कर रहा है, और ट्रॉली पुल कर रहा है तो कितनी फोर्स से पुल कर रहा है, 200 न्यूटन, और वो रोड के साथ कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। आपने इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना, आपको उसने फोर्स दे दिया और एंगल दे दिया, फोर्स 200, एंगल को डिनोट करते हैं इस
सिंबल से इसको कहते हैं थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। एफ एक्स एफ वाई निकालना है, हमने फॉर्मूला पढ़ा एफ एक्स इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा, एफ की वैल्यू 200, कोज एज इट इज थीटा की जगह 30 डिग्री, कोज 30 डिग्री कैलकुलेटर से निकालेंगे, यहाँ जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास एफ एक्स आ गया। इस तरह से एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा फॉर्मूला होता है, की जगह 200 पुट किया, साइन थीटा की जगह थीटा 30 पुट किया, साइन कैलकुलेटर पर होता है उसको प्रेस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एफ वाई आ गया, दैट इज 100 न्यूटन। तो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है एफ एक्स निकाला है और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है एफ वाई निकाला है। यहाँ पे उसने एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई है ना, राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ अ बेस इज 4 सेंटीमीटर, इट्स परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। मतलब उसने आपको बेस और परपेंडिकुलर दे दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया, आपने लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस निकालनी है। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इन दोनों के स्क्वेयर्स को सम करेंगे तो आपके पास हाइपोटेनियस की लेंथ आ जाएगी। अगर मैं 4 का स्क्वेयर लूँ 16, 3 का स्क्वेयर लूँ 9 और 16 25। फिर चूंकि हाइपोटेनियस का स्केयर होता है, हमने इस दोनों साइड दो स्केयर रूट लेना है, तो 25 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 5, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस कितनी हुई 5। अब हमें निकालना है साइन 30। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 3, हाइपोटेनियस क्या निकला 5, 3 और 5 इसका आंसर हुआ। कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपके पास 4 और हाइपोटेनियस क्या निकाला मैंने अभी 5, 4/5। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4, आंसर हुआ 3/4। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पहले हमने फोर्स को रिजोल्व किया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट से और हमने कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को लेते हुए इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। केस आपके पास सिंपल वही है कि आपने क्या करना है, एक फोर्स लेनी है, उसको रिजोल्व किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट में एफ एक्स एफ वाई। आपको पता है हेड्रोइड रूल के अकॉर्डिंग एफ एक्स एफ वाई प्लस हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट एफ हो जाएगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ओ आर इजिकल टू ओ पी प्लस पी आर, ओ आर एफ है, ओ पी एफ एक्स है, पी आर जो एफ वाई है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जिसके अकॉर्डिंग बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्केयर के। तो हाइपोटेनियस क्या है, ओ आर का स्केयर बराबर किसके, बेस का स्केयर, ओ पी का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर पी आर का स्केयर। अब इनको इनके टर्म एफ एक्स और एफ वाई में लिखा, बहुत सारे स्केयर रूट लिया, तो हमारे पास एफ जो है वो बेसिकली डायरेक्शन आ गई है इस फोर्स की। अब हमने इसका एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए हमने जो पहले टर्म इस्तेमाल नहीं की थी टैन, हमने साइन यूज़ किया, कोज यूज़ किया, हम टैन यूज़ करें। टैन थीटा किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है पी आर, बेस क्या है ओ पी, पी आर क्या है एफ वाई, ओ पी क्या है एफ एक्स। अब पी आर इसको एज इट इज लिखने दिया। अब टैन जो है ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, आपको पता है डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे पावर क्या हो जाएगी -1। तो टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, एफ एक्स ये फार्मूला है डायरेक्शन निकालने का कि जो फोर्स है वो कितना एंगल बना रही है। अगर आपको एंगल निकालना है तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन ही निकालना बात एक है, और हम निकालेंगे इस फार्मूले से। और इसके लिए हम बताना चाहिए वाई और एफ एक्स की वैल्यू, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और कैलकुलेटर से टेन इनवर्स लगाएंगे, दैट विल बी द एंगल इन डिग्री और द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर।